साफ साफ देखी जा सकती है उत्तर प्रदेश का रास्ता जाता है लोकसभा चुनाव यानी केंद्र की सत्ता तक जाता है अस्सी सीटें हैं लोकसभा चुनाव लोकसभा की उत्तर प्रदेश में तो ऐसे में हर पार्टी लोकसभा के लिए यूपी की आवाम का दिल जीतना चाहती है क्या मंसूबे कामयाब होंगे बीजेपी के क्या बन पाएगी दोबारा सत्ता साल 2019 में बीजेपी की या फिर सुपड़ा साफ होगा और आएगी यूपी सरकार या फिर कुछ होगा चमत्कार और बनेगी बनेगा कोई और नया चेहरा देश का प्रधानमंत्री नमस्कार मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एस पी न्यूज और मैं एक बार लेकर हाजिर हूँ आपके सामने फिर से लोकसभा चुनाव मद्देनजर एक बड़ा अहम मुद्दा और बड़ी खबर खबर ये है कि अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के और ऐसे में उनको टिकड़म की राजनीति बहुत आती है कहाँ कैसे दाव पेज खेल खेलने हैं कहाँ कैसे कौन सी जुगत लगानी है कि वहाँ पर चारों खाने चित्त हो जाए विरोधी और बीजेपी वहाँ पर राज करे ऐसा ही कुछ उन्होंने जोड़ का तोड़ निकाला है एस और बसपा के महागठबंधन का ऐसा तोड़ निकाला है कि जाहिर सी बात है इस बार बीजेपी की सरकार बन भी सकती है अगर इस दाव से अगर जीतती है बीजेपी तो निःसंद साल दो में फिर से पीएम मोदी का दोबारा प्रधानमंत्री बनने का स्व

सब एक साथ आ गए सिर्फ वहां पर समर्थ जो था वो अलग रह गया और इसी जाति समीकरण ने हरा दिया बीजेपी को अब योग अमित शाह ने पुरातिक्रम लगाया आत्मंथन किया पूरी तरह से स्टाटर्जी बनाई उन्हें लगा कि अभी क्या करना चाहिए और उन्होंने फिर पर एस पी, एस पी का तोड़ निकाल दिया सब यही सोच रहे थे कि आखिर बीजेपी कर क्या रही है कैराना और नूरपुर की सीटों का भी जो होने वाले हैं उसका भी ऐलान हो गया है तारीखों का तो ऐसे में अब बीजेपी कर क्या रही क्या सोच क्या रही बीजेपी अगले साल अमित शाह की रणनीति क्या होगी चार कहे जाते हैं कांग्रेस मुक्त का आह्वान क्या है और लगातार बीजेपी अपना झंडा बुलंद करती जा रही है कई राज्यों में तो ऐसे में क्या अगले साल ऐसा ना हो कि अपनी रणनीति से तीखी पड़ जाए बीजेपी और खुद ही बीजेपी मुक्त हो जाए हिंदुस्तान तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमित शाह को इस बात का आभास है इसीलिए उन्होंने दाव 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 खेला है दाव क्या है है क्या वो मैं आपको बताती हूं। दाव ये है कि 2019 में अखिलेश मायावती पर ब्रह्मास्त्र चलाएंगे अमित शाह जानिए सपा बसपा गठजोड़ की काट का क्या है प्लान बीजेपी के चाणक अमित शाह का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए नई चुनौती पेश कर दी है हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में इसका असर भी देखने को मिला जब भाजपा को अपने घर गोरखपुर में ही करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा उपचुनाव में मिली हार ने भाजपा को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने को मजबूर कर दिया तो वहीं बसपा और समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियों की बांछे खिल गई जिसके बाद पूरे देश में विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा को घेरने में जुट गई सवाल उठ रहा था भाजपा कार्ड खोजने के लिए कर क्या रही है सभी राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान इस बात पर लगा था कि साल दो में लोकसभा चुनाव में भाजपा की नीता के का होगी क्या और ऐसे में बड़ी खबर आई है अमिश्य ने लगाया है बुआ और बबुआ के जोड़ का तोड़ तोड़ ये है जाति समीकरण चर्चाएं चल रही हैं सपा बसपा गठबंधन की काट निकालने के लिए भाजपा सरकार 17 17 आती पिछली जाती हूं जैसे राजभर निषाद मल्ला कुम्हार आदि को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकती है यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट में शामिल कर सकती है और साल 2014 में भाजपा ने इसका वादा किया था और अब जाकर याद आ रहा है भाजपा को क्यों अभी याद आ रहा है अमित शाह को पहले क्यों नहीं याद आया पहले उन्हें क्यों नहीं किया कह रहे थे ना जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो बहुत से वादे इरादे ये सियासी पार्टियों की तरकीब होती है आप अच्छे से जानते हैं कि पहले तो बरगला लो जनता को फिर उसके बाद तो सरकार बन गई तो पांच साल में देखते रहेंगे बनेगी बनेगी नहीं तो देख लिया जाएगा और कुछ वही हाल देखने को मिल रहा है अब यहां धीरे धीरे महासंग्राम शुरू होने वाला है अमित को पता है गोरखपुर फूलपुर से उनका सुपड़ा साफ हो गया है नूरपुर कैराना में कहीं सुपड़ा साफ हो गया तो समझिए साल दो की बागडोर जो है कहीं ना कहीं खिसक जाएगी उनके हाथों से चाड़क के हैं तो सबसे ज्यादा दारोमदार है भाई कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे हैं कहीं अगले साल ये ना हो कि मोदी मुक्त ही हो जाए हिंदुस्तान तो ऐसे में कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की तो सियासी राजनीति सियासत तो करेंगे ही

जनता को बरगलाते हैं लेकिन जनता भी बहुत समझदार है इसलिए तो वोट की ताकत से बहुत मुंह जवाब देती है और फिर शायद इंसान के रोने के आंसू निकलते हैं ना हंसने की हँसी निकलती है चलिए अब जब सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया है तो भाजपा अपने इस वादे पर अमल कर सकती है उत्तर प्रदेश चूंकि भारतीय राजनीति के लिए बेहद अहम राज्य है मैंने आपको पहले ही बताया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा की रणनीति थोड़ी अलग हो सकती है और सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि भाजपा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जातियों को मिलने वाले आरक्षण में उप कोटा तय कर सकती है यहाँ पे बड़ा दाव खेलेंगे अमित शाह बीजेपी बहुत बड़ा दाव खेलेगी और ऐसा होता हो सकता हो, यदि ऐसा होता है तो इसका असर ये होगा कि अन्य पिछड़ी जातियों में मिलने वाले आरक्षण का लाभ अति पिछड़ी जातियों को भी मिल सकेगा और जब भी जबकि अभी तक यादव ही इस आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ लेते रहे हैं और ऐसे में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माने जाते हैं वैसे में भाजपा को इसका सीधा लाभ मिल सकता है इसी तरह अनुसूचित जातियों के मिलने वाले आरक्षण का लाभ अभी तक जातुओं को ज्यादा मिलता रहा है जो कि बसपा के वोट बैंक रहे हैं लेकिन उप कोटा तय करने के बाद अति अनुसूचित जातियां जैसे बाल्मीकि पासी धोबी जो और भी हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल सकेगा देख रहे हैं आप इसी ऐसे ही नहीं कहा जाता है अमित शाह को चाणक्य कैसे वो रणनीतिकार हैं कैसे वो बुद्धि लगाते हैं बुद्धि लगा ली ना उन्होंने कि कहाँ पर बीजेपी एसपी और बी एस पी, पी है बी एस पी एस पी का मजबूत आधार है यादव तो बी एस पी का मजबूत आधार है जाटो और दोनों की काट को कर दिया उन्होंने एकदम अलग थलग क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको अनुसूचित जाति में लाएंगे शेड्यूल कास्ट में लाएंगे उनका उपकोटा तय कर देंगे तो जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं लोग तो खुश हो ही जाएंगे क्योंकि उनको सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन हमेशा पहले ये बताएंगे कि कितने दिनों के लिए है क्या ये पूरा अपना मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो का जो उन्होंने ऐलान जो बातें कही थी उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं या ये अगले मैनिफेस्टो के लिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं नहीं हालांकि इस खबर में तो ये मेंशन है कि साल 2014 के भाजपा के मैनिफेस्टो में ये बात जाहिर थी लेकिन अब साल दो हजार चौदह और साल दो हजार अठारह बहुत कम समय रह गया है लगभग अब आठ से नौ महीने बाकी रह गए अगले साल तो पूरा माहौल ही साल दो हजार उन्नीस का ही हो जाएगा लोकसभा का तो ऐसे में हमेशा को अब ये सपना याद आ रहा है अब ये बातें याद आ रही है वाकई बहुत बहुत दिमाग लगाते हैं हमेशा बहुत समझदार है वाकई रणनीतिकार है चाणक हैं बिल्कुल सही कहा तो ऐसे में अब उनका ये जो उनकी जो गणित है गणित कितनी पास उनको कराती है ये भी देखना होगा क्योंकि इसमें आप अगर बुआ और बबुआ को अगर हल्के ले रहे हैं अमित शाह तो वो भी उनकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि तो बुआ बबुआ के पास भी इनके जोड़ का तोड़ भी हो सकता है क्योंकि तो अमित शाह तो अगर वो इस तरह का उन्होंने जोड़ का तोड़ निकाला है एस पी के अलायंस को तोड़ने के लिए तो ऐसे में एस पी बी एस के पास बीजेपी के इस दाव का भी बड़ा पासा होगा कि आखिर वो कौन सा पासा खेलते हैं ये भी देखना होगा क्योंकि इस तरह से उन्होंने दाव खेला है और जातियों को लेकर जाति समीकरण मिठा दिया है मिशाने। ऐसे में आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में तो जाति धर्म को लेकर ज़्यादा राजनीति चलती है मैंने खुद देखा है आस कैसा वहाँ का परिवेश होता है लोग जात के आधार पर लोगों की लोगों का लोगों का हर चीज तय कर लेते हैं लेकिन खुद की बुद्धि कहाँ डूबी होती है ये नहीं देखते हैं तो ऐसे में आप खुद सोचिए किस तरीके से यूपी उत्तर प्रदेश में जाति धर्म मजहब दुनिया भर की बातें कही जाती हैं आज भी जिस तरीके से कहा जाता है दलित को लेकर बहुत बड़ी बातें होती हैं लेकिन आज भी आप चले जाइए जहाँ गाँव के ठेठ थे, गाँव चली जाइए ज़रा वहाँ अभी भी, भी आपको शेड्यूल कास्ट के जो घर होंगे जो गाँव होंगे आपको सवर्ण जातियों से अलग ही नजर आएंगे कहाँ का बदलाव ला रहे हैं मोदी जी और कहाँ का बदलाव ला रही है बीजेपी जिस दिन गाँव में ये बदलाव आ गया उस दिन समझिए दलित भी बराबरी पे आ गए किस बदलाव की बात करते हैं पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास क्या बाकी गाँव में विकास नजर आ रहा है आप जाइए आप देखिए जो ठेठ गांव है वहाँ पर जा देखिए जाकर के वहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनका इलाका बिल्कुल अलग होता है सवर्ण जातियों से ऐसा क्यों इंसान तो वो भी है इंसान ये भी हैं तो फिर क्यों अलग है और फिर कहाँ चला गया सबका साथ सबका विकास का नारा कहाँ चला गया बहुत सी बातें हैं बहुत सोचना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सियासत इतनी आसान नहीं है जितनी आसान लोग समझते हैं और अमित शाह को पता है कि वहाँ पे जाति समीकरण बिठाना कैसे है लेकिन अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब अमित शाह के दाओ का खेल दाव का जवाब कैसे देती हैं ये भी अभी देखना बाकी होगा क्योंकि ये दाव तो यहाँ पे खेल दिया है लेकिन यहाँ पर आधार वोट जो है बहुत से वोट हैं जब यादव और जाटों को खुश करके आप खुश करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं बहुत सी जातियाँ हैं आप किस किस को नाराज़ करेंगे ये भी तो देखना होगा क्योंकि हमारे देश में तो राजनीति ही धर्म और जात के आधार पर ही तय होती है उससे पहले सबको धर्म आ जाता है जाति आ जाती है पांच साल के जैसे सरकार आई सब एक डिब्बे में बंद और फिर सब लोग अपना घूमना फिरना शुरू कर देते हैं और जैसे सरकार के दिन जैसे लदने शुरू हो गए जैसे दोबारा चुनाव फिर वो डिब्बा खुलता है उससे चीजें पिटारे खुलते हैं फिर धीरे धीरे चीजें निकलती हैं और फिर वहां पर चुनावी जुमले बना शुरू आम जनता को अब आप जनता आप हैं आम जनता हम हैं हमें तय करना है कि हमें बरगलाने में आना है या फिर हमें यहाँ पर देश के विकास को लेकर कुछ सोचना है नमस्कार ये था खास प्रोग्राम नमस्कार